इट्स ऑफिशियली समर एंड इट्स टाइम टू मेक सम केरी का अचार। आज मैं आपसे मेरी मॉम की रेसिपी शेयर करूंगी कि हम अचार घर पे कैसे बना रहे हैं। ट्रस्ट मी, ये बाजार से भी अच्छा बनता है। पहले हम केरी के बड़े बड़े पीसेस कट कर लेंगे, फिर उसमें हल्दी ऐड कर लेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले हमें मस्टर्ड ऑयल गरम कर लेना है एंड उसमें जीरा ऐड कर देना है। फिर तेल को थोड़ी देर ठंडा करने के लिए साइड में रख देना है। फिर हमें लाल मिर्च ऐड करनी है, सौंफ ऐड करना है, मेथी के दाने ऐड करने हैं, फिर हमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी ऐड करने के बाद हमें नमक भी ऐड करना है स्वाद अनुसार। फिर हमें सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर तेल ठंडा होने के बाद हमें इसमें ऐड कर लेना है। फिर उसे अच्छी तरीके से एटलीस्ट 2 मिनट तक हमें मिक्स करते रहना है। फिर अचार कुछ इस तरह से दिखेगा। हमें अचार को साइड में रख देना है कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए। फिर ठंडा होने के बाद हमें एक चार में इसे ट्रांसफ़र कर लेना है। अब हमारा केरी का अचार तैयार हो चुका है। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।